अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हमने एजुकेशन में पेज नंबर 13 की रीडिंग करनी है बेटा। पेज नंबर 13 ओपन, पेज नंबर 13। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने उसका टॉपिक करना है फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील। टॉपिक है फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील। ये हमारा आज का टॉपिक है बेटा, पेज नंबर 13 पे। ठीक है, तो देखते हैं कि फर्द जो है उसकी क्या क्या ज़रूरियात है और उसको किस तरह से उनको पाया तकमील तक पहुंचाना है। ठीक है, और बच्चे के अवलीन असातज़ा उसके वालिदैन होते हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ा कि बच्चे के सबसे पहले असातज़ा कौन होते हैं, बच्चे के वालिदैन होते हैं। ठीक है, और बच्चे के वालिदैन जो हैं सबसे बच्चे की पहली तरबियतगाह बच्चे का घर होता है, और जो बच्चे की तरबियत और किरदार की तामीर में बहुत अहमियत किरदार अदा करते हैं। यानी कि वालदैन जो हैं बच्चे की तरबियत और किरदार की तामीर में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चा जब ज़रा बड़ा हो जाता है तो स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही बच्चा स्कूल जाने की उम्र उसकी होती है, 4 साल 5 साल की उम्र होती है, तो बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। और माशरे की सकाफत के तहफ्फुज़ और तशकील नौ के लिए असातज़ा के हाथों में उसकी रस्मी तालीम का आगाज़ हो जाता है। अब बच्चे की जो तालीम का आगाज़ होता है वो किसके हाथों में होता है, असातज़ा के हाथों में। ठीक है, किसके लिए होता है, माशरे की सकाफत नौ के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए और तशकील नौ के लिए। यानी कि माशरे की सकाफत, जो कल्चर है माशरे का, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए और उसकी तशकील नौ के लिए असातज़ा के हाथों उसकी रस्मी तालीम का आगाज़ हो जाता है। यानी कि बच्चे की तालीम का आगाज़ जो है वो जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वहीं से उसका आगाज़ हो जाता है। बड़ों की दुनिया में दाखिल होने और बलूगत की उम्र तक पहुँचने तक बच्चे को बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। अब बच्चे को बड़ों की, यानी कि छोटा बच्चा है 4 5 साल का, ठीक है, अब उसको आगे आगे बड़ों की दुनिया में दाखिल होना है, तो वो तालीम हासिल करते करते जब वो बड़ों की दुनिया में दाखिल होता है तो उसके लिए और जो है बच्चे को बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। इन सब मराहिल की अपनी खसूसियात और तकाजे हैं। अब ये जो मराहिल हैं बच्चे को एक छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक, यानी कि बड़ों की उम्र तक पहुँचने तक जो बच्चे को जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, उनमें जितने भी मराहिल आते हैं, जितनी भी स्टेजेस आती हैं, बच्चे को उसमें जो है अपने हर स्टेज की अपनी ही खसूसियत और तकाजे होते हैं। तालीम के वज़ाइफ में ये भी शामिल है कि वह बच्चों की सही नशोनुमा के लिए उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। अब तालीम के वज़ाइफ जो है उनमें एक बात ये भी है कि वह बच्चों की सही नशोनुमा का ख्याल रखे और उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखे। माहिर तालीम बच्चे की मुनासिब तरबियत के लिए दर्ज ज़ेल ज़रूरियात को बहुत अहमियत देते हैं। यानी कि मुतल्लिम की सबसे पहले क्या बताया गया कि मुतल्लिम की सबसे पहली और अहम ज़रूरत उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत है। मुतल्लिम कौन है, तालिब इलम, जो तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है, अब उसकी सबसे पहली क्या ज़रूरत है कि उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की नशोनुमा हो। अच्छी सेहत के बगैर मुतालिम अपना कोई काम खुश सलूबी से नहीं कर सकता। यानी कि अगर सेहत ठीक नहीं है, बीमार है, तो वो तालिब इलम जो है वो पढ़ाई में सही दिलचस्पी नहीं ले सकता। मुतवाजिन खुराक, मुनासिब वर्जिश, खेल कूद और साफ़ हवा जिस्मानी सेहत के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। अब एक इंसानी जिस्म को उस बर सेहत बरकरार रखने के लिए जो क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उसको तो एक मुतवाजन खुराक, यानी मुतवाजन खुराक क्या होती है, विटामिन से भरपूर खुराक जो होती है उसको मुतवाजन खुराक कहा जाता है, जिसमें विटामिन होते हैं, और मुनासिब वर्जिश उसके लिए भी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ खेल कूद और साफ़ हवा और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है ये सारी चीज़ें। ठीक है, माशरे को बच्चे की इन तमाम ज़रूरियात का एहतमाम करना चाहिए। यानी कि माशरे का फ़र्ज़ है कि वो बच्चे की ये सारी ज़रूरियात पूरी करे ताकि मुस्तकबिल का माशरा सेहतमंद बुनियादों पर तश्कील पा सके, क्योंकि इन्हीं अफराद ने आगे जाकर माशरे की तश्कील नौ करनी है। तो माशरे का फ़र्ज़ है कि वो जो है मुतल्लिम की इन ज़रूरियात को, यानी कि मुतवाजिन खुराक, जिस्मानी खेल कूद और मुनासिब वर्जिश और साफ़ हवा,
इन सब की ज़रूरियात को पूरी करना मुआशरे की जिम्मेदारी है, ताकि जो तालिब इलम है वो तालीम हासिल करे अच्छे तरीके से, और फिर वो मुस्तकबिल में मुआशरे की सेहतमंद बुनियादों पर तश्कील पा सके। और फिर उसके बाद नंबर टू पे बताया गया कि मुतल्लिम की ये ज़रूरत है कि तालीम के साथ साथ उसे खेल कूद और दूसरे मशागिल में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। नंबर वन पे क्या था कि उसकी मुतवाजन खुराक, जिस्मानी वर्जिश, खेलकूद और साफ हवा। मुआशरे की जिम्मेदारी है कि मुतालिम के लिए ये सारी चीज़ें फराहम करें, मुहैया करें, ठीक है। और नंबर टू पे क्या है कि मुतालिम के लिए क्या ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ खेलकूद और दूसरे मशागिल का एहतमाम करना, ठीक है। यानी कि खेल कूद के साथ साथ दूसरे मशागिल का एहतमाम करना भी ज़रूरी है। और यानी कि उसमें हिस्सा लेने का अगर मौका दिया जाएगा तो बच्चों की नशोनुमा के लिए, क्योंकि खेल कूद इतना ही ज़रूरी है जितनी कि अच्छी खुराक। अब जिस तरह मुतवाजन खुराक जो है ये एक सेहतमंद जिस्म के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन अगर खुराक खाते जाएंगे उसको जो है उसकी कैलोरीज जलेंगी नहीं, तो किस तरह वो जिस्म का हिस्सा बनेगी कैलोरीज। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि खेल कूद और जो है दूसरे मशागिल उनमें हिस्सा लें, दूसरी एक्टिविटीज़ जो है उसमें हिस्सा लें, ताकि बच्चे की जिस्मानी वर्जिश भी होती रहे। और बच्चों की नशोनुमा के लिए खेलकूद बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के अच्छी खुराक ज़रूरी है। बच्चों की जिस्मानी, अखलाकी और जहनी नशोनुमा के लिए खेलकूद और दूसरे मशागिल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर देखा जाए कि बच्चों की जिस्मानी, इखलाकी और जहनी नशोनुमा अगर होती है तो उसके लिए सबसे अहम रोल कौन अदा करता है? खेलकूद और दूसरे मशागिल जो हैं बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। माशरा और मदरसा दोनों की ये ज़िम्मेदारी है। अब ये सिर्फ ना तो सिर्फ माशरे की ज़िम्मेदारी है, ना ही सिर्फ स्कूल की ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये दोनों की ही ज़िम्मेदारी है कि तलबा को फारिग औक़ात में मस्बत और तामीरी खेलकूद और सेहतमंद मशागिल के मौके मुहैया करें। यानी कि मुआशरे के लिए भी ज़रूरी है और स्कूल के लिए भी ज़रूरी है कि वो तलबा को खेल कूद के बहुत सारे ऐसे मौके मुहैया करें कि जिससे उनकी जिस्मानी सेहत बरकरार रह सके। और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों के खेलों में दिलचस्पी लेते थे। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे ऐसे जो थे मौके मुहैया किए थे जिससे कि बच्चों के खेलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद दिलचस्पी लेते थे और उनके इनेकाद का अहतमाम भी करते थे, यानी कि बच्चों के लिए कोई ना कोई खेल का अहतमाम भी करते थे। फिर उसके बाद है मुतल्लिम ये चाहता है कि उसे पहचाना जाए और माशरा इसका एहतराम करे। अब मुतल्लिम कौन? यानी कि तालिब इलम जो तालीम हासिल कर रहा है, तो अब इसकी ख्वाहिश है कि वो जब तालीम हासिल कर रहा है तो उसके बाद उसकी एक अपनी शख्सियत हो, उसकी अपनी एक पहचान हो, तो उसको यानी कि दूसरे लोगों में उसकी अपनी एक खास पहचान हो, और ना सिर्फ पहचान हो बल्कि माशरा उसका एहतराम भी करे। बच्चे की ये फितरी ख्वाहिश है कि वो अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्तों में जाना और पहचाना जाए और इसका एहतराम किया जाए। और वो दोस्तों और इर्द गिर्द के लोगों से ये तवक्को रखता है कि वो उसे अहमियत दें और उससे ताउन करें। अब जब बच्चा तालीम हासिल करता है तो उसे जो है उसको जो उसकी कोशिश होती है कि अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों और दोस्तों में उसकी अपनी एक पहचान हो, उसको एक अच्छे नाम से जाना जाए, लोग उसका एहतराम करें। और उसके जो दोस्त हैं, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो उनसे भी ये तवक्को रखता है कि वो उसको अहमियत दें, और ना सिर्फ अहमियत दें बल्कि उसके साथ उसकी मदद भी करें। माशरे का एक रुकन होने की हैसियत से वो माशरे से ताउन हासिल करना चाहता है, क्योंकि वह माशरे का एक रुकन है, तो उसकी ये ख्वाहिश है कि वो माशरे से ताउन हासिल करे। इस्लामी माशरे में बच्चों को अच्छे अखलाक, हमदर्दी और ताउन की तरबियत दी जाती है। इस्लामी माशरा सबसे बुलंद पाया उनके असूल हैं, ठीक है, इस्लामी माशरे के। तो इस्लामी माशरे में बच्चों को अच्छे अखलाक और
हमदर्दी और ताउन की तरबियत दी जाती है, यानी कि ये बहुत ही इखलाक के बहुत अच्छे इखलाक हैं कि हमदर्दी का जज्बा हो और दूसरों की मदद करने का जज्बा हो और अच्छे तरीके से बातचीत करने का जो है एक हुनर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस्लामी माशरे की खसूसियात हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि बड़ों की इज्जत करो और छोटों से शफकत से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हदीस मुबारका की रोशनी में अगर देखा जाए तो यही बार बार फरमाया गया है कि छोटों के साथ रहम से पेश आओ और बड़ों का एहतराम करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करने से बाहम एहतराम करने वाला मुआशरा तश्कील पा सकता है। अगर हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस की रोशनी में इन फरमान पर अमल किया जाए तो इससे जो है मुआशरा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बाहम एहतराम करने वाला मुआशरा बन सकता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल किया जाए, यानी कि छोटों पर रहम और बड़ों का एहतराम, तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अगर जो है माशरा तश्कील पाया जाए तो वो एहतराम करने वाला माशरा बन सकता है। फिर उसके बाद है कि मुतल्लिम जिम्मेदार शहरी और माशरे का एक रुकन होने की हैसियत से जानना चाहता है कि उसके हकूक और फ़राइज़ क्या हैं। अब यहाँ पे उसको ये पहचान होनी उसके लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिम के क्या क्या हकूक हैं, क्या हकूक उसको चाहिए और क्या फ़राइज़ हैं, क्या उसके ज़िम्मे कौन से काम हैं, जो उसके ज़िम्मे काम हैं वो फ़राइज़ हैं और जिसको जो उसको चाहिए वो उसका हक है। ठीक है, तो अब जो है मुतल्लिम एक ज़िम्मेदार शहरी और माशरे का एक रुकन होने की हैसियत से अब उसको इस बात की ज़रूरत है कि उसको पता हो कि उसके क्या हकूक हैं और क्या उसके फ़राइज़ हैं। मुतल्लिम ये जानना चाहता है कि जिस माशरे पर वो ज़िंदगी बसर कर रहा है इसमें बतौर एक शहरी के उस पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं, यानी कि तालिब इलम ये जानना चाहता है कि वो जिस माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिस माशरे में वो रह रहा है, उसमें एक शहरी के तौर पर, एक अपने मुल्क के शहरी के तौर पर उस पर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, उसने कौन कौन से फ़राइज़ उसके हैं जो उसने अंजाम देने हैं। मुतल्लिम ये पसंद करता है कि उसे एक अच्छे तालिब इलम और एक अच्छे शहरी के तौर पर जाना जाए, यानी कि तालिब इलम की ये ज़रूरत कोई ख्वाहिश है, उसे ये अच्छा लगेगा कि उसको एक अच्छे तालिब इलम में शुमार हो और एक अच्छे शहरी के तौर पर लोग उसको जाने। इस सिलसिले में इस पर जो ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ आयद होते हैं वो उन्हें अदा करना चाहता है। अब इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अब वो उसकी ये चाहता है कि जो जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो फ़राइज़ उस पर हैं वो उन्हें अदा करे ताकि लोग उसको उसकी जो है आला किरदार की बुनियाद पर उसको पसंद करें और उसके काम की तारीफ भी करें। क्योंकि जब वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जो उस पर आयद होती हैं जो ज़िम्मेदारियाँ अगर वो उनको अच्छे तरीके से पूरी करेगा तो उसके बदले में मुआशरा उसको अच्छी नज़र से देखेगा, उसको पसंद करेगा और उसके काम की तारीफ भी करेगा। तो तालिब इलम जो है ये चाहता है कि उसकी पहचान हो और उस पर जो जो ज़िम्मेदारियां हैं उसकी पहचान भी उसको हो कि क्या क्या उसकी ज़िम्मेदारियां हैं। और फिर वो ये भी चाहता है कि वो इन ज़िम्मेदारियों को जब अच्छे तरीके से निभाए पूरी करे तो मुआशरा उसको पसंद करे और उसके काम की तारीफ भी करे। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील। ठीक है, अब मैं इसके बेटा आपको MCQs बना देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी जो पॉइंट रह गए वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये एक चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। नोटबुक निकाल लें बेटा अपनी और MCQs नोट कर लें। नंबर 1, बच्चे के अव्वलीन असातिज़ा होते हैं, कौन होते हैं? वालिदैन, यानी कि बच्चे के अव्वलीन असातिज़ा वालिदैन होते हैं। नंबर 2, मुतल्लिम की सबसे पहली, मुतल्लिम यानी कि तालिब इलम, ठीक है, मुतल्लिम की सबसे पहली और अहम ज़रूरत उसकी जिस्मानी और है
क्या है? जिस्मानी और जहनी सेहत, यानी कि जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद हो और जहनी तौर पर भी, ठीक है, जहनी सेहत। नंबर थ्री, बच्चों की नशोनुमा के लिए खेल कूद इतना ही जरूरी है जितना क्या जरूरी है, अच्छी खुराक। जितनी अच्छी खुराक। नंबर फोर, मुतल्लिम ये चाहता है कि उसे पहचाना जाए और मुआशरा इसका करे क्या, करे एहतराम, यानी कि उसकी ख्वाहिश है कि मुआशरा उसका एहतराम भी करे और उसको पहचाना भी जाए, उसकी अपनी एक पहचान भी हो। नंबर फाइव, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों से पेश आओ किससे, शफकत के साथ, शफकत के साथ। ठीक है, तो ये बेटा 5 MCQs हैं जो आपके इस टॉपिक में से मैंने बनाए हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें ये करेंगे, आगे रीडिंग करेंगे। आज की हमारी ये रीडिंग बेटा कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।